तो फाइनली गाइस देखते देखते ओबी 20 अपडेट भी आ चुका है और गेम मेंटेनेंस पे भी है। लेकिन आपको क्या पता है मेंटेनेंस के बाद ओबी 30 अपडेट के बाद क्या क्या चीज हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, गेम में क्या क्या चेंजेस होगा और क्या एडवांटेज होगा क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। तो हेलो वेलकम फ्रेंड, कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो और आप सभी को वेलकम एक और फ्रेश न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है, तो चलिए फ्रेंड बिना किसी और को वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हर बार की तरह छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और सारे नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एमुलेटर प्लेयर दुख को लेकर, और एमुलेटर प्लेयर के लिए बहुत ही दुख और दर्दनाक बात होने वाला है। ज्यादातर बंदे जो फ्री फायर खेलते हैं यूट्यूबर वगैरह हो गया सब एमुलेटर ही प्लेयर है, लेकिन एमुलेटर प्लेयर में ओबी 30 अपडेट देने के बाद गाइस कुछ चेंजेस होने वाला है। जैसे आप खेल सकते हो, यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी मैं दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल प्लेयर हो तो 98% आपको मोबाइल प्लेयर ही बैटल ग्राउंड में देखने के लिए मिल जाएगा, और जो एमुलेटर प्लेयर है एमुलेटर प्लेयर भी 98% जो है एमुलेटर प्लेयर ही देखने के लिए मिल जाएगा बैटल राउंड पे। पहले क्या होता था, मोबाइल प्लेयर एमुलेटर प्लेयर सब सेम एक ही बैटल राउंड में खेलते थे, लेकिन ओबी 30 अपडेट के आने के बाद गाइस कभी भी एमुलेटर प्लेयर और मोबाइल प्लेयर एक साथ नहीं खेल पाएंगे। एक दो मिस्टेक हो सकता है लेकिन ज्यादातर बंदा एमुलेटर तो एमुलेटर ही होगा और जो है मोबाइल प्लेयर के साथ मोबाइल प्लेयर का ही फाइट होगा, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसके बाद गाइस आपको कुछ अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आपको क्लैश स्क्वाड में कितने बंदे को लेकर खेल सकते हो। आपको पता है ओबी 30 अपडेट आने के बाद 6-6 बंदे को लेकर खेल सकते हो, मतलब 12 बंदा एक साथ क्लैश स्क्वाड में होगा, मतलब एक बंदा एक ग्लोबल कितना ग्लोबल फेंकता है, 12 बंदा एक साथ ग्लोबल फेंकेगा तो गेम बहुत ही गंदा टाइप का होने वाला है। तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक ऑप्शन है आप स्क्वाड में भी खेल सकते हो और आप जो है 6 प्लेयर को लेकर खेल सकते हो। और उसके बाद गाइस अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर जो है एयर ड्रॉप में चेंजेस होने वाला है। अगर आपका पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कुछ दिन पहले इसका लिए एक वीडियो बनाया था, आपको जो है वेंडिंग मशीन का भी, जो वेंडिंग मशीन है ना उसका भी जो है यहाँ पर एयर ड्रॉप देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो आपको भी ये जो एयर ड्रॉप इसका कलर होगा आपको पर्पल कलर में, और पर्पल कलर में इसी एयर ड्रॉप को देखकर आपको दूर से ही पहचान में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हर बार होता है ना, जैसे एयर ड्रॉप येलो कलर का होता है और कुछ कुछ एयर ड्रॉप पर्सनल एयर ड्रॉप जो है नीला कलर का होता है, तो ये एयर ड्रॉप पर्पल कलर का होगा और इसमें जाके आप जो है कुछ खरीद भी सकते हो। जैसे किसी घर में था वेंडिंग मशीन था, अभी जो है एयर ड्रॉप के साथ लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी बहुत ही अच्छा खासा है गाइस। और उसके साथ जो अपडेट आएगा वो है रिवाइव मैप को लेकर, और रिवाइव को जो यहाँ पर स्पोर्ट है ना जो स्क्वायर टाइप का होता है उसमें कुछ चेंजेस होगा, जैसे आपको टाइमर जो है ज्यादा बड़ा टाइप का दिखेगा। और गाइस जब यहाँ पर 3 लेवल का जोन स्टार्ट हो जाता है उसमें हम लोगों को जब यहाँ पर जो रिवाइव स्क्वायर होता है ना वो जब चला जाता है उसके कुछ समय पहले आपको बड़ा टाइमर करके दिखाएगा, ये जा रहा है जो काम करना है कर लो इसके साथ नहीं तो ये चला जाएगा। और उसके बाद गाइस कुछ अपडेट आने वाला है कैरेक्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ होने वाला है, तो कैरेक्टर के साथ क्या छेड़छाड़ होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कोरोना के साथ एक छेड़छाड़ होने वाला है, जैसे आपका मूवमेंट स्पीड कोरोना का जो था उसमें आपको 10% डिक्रीज किया जाएगा, 15% से 10% हो जाएगा। और उसके बाद गाइस स्किल ड्यूरेशन ये जो होगा आपको जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 था, अभी 3, 3, 4, 4, 5 सेकेंड ऐसा ही देखने के लिए मिल जाएगा। उसका कूल डाउन आपका 200 सेकंड था, अभी जो है 170 सेकंड देखने के लिए मिल जाएगा, काफी अच्छा है गाइस। और उसके बाद गाइस आपको जो है 170 सेकंड देखने, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आपको कूल डाउन 170 सेकंड देखने के लिए मिल जाया था, अभी जो है आपको 2020 सेकंड देखने के लिए मिल जाएगा मैक्स अपडेट पे, जो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है, मैं गलत बोल दिया था, आप यहाँ पर पिक्चर पे देख ही सकते हो। और उसके बाद गाइस एंड्रियो का भी कुछ चेंजेस होगा, एंड्रियो का चेंजेस होगा फास्ट लेवल पे 8, 9, 10 ऐसा करके, मैक्स पे आपको 14% इंक्रीज देखने के लिए मिल जाया था, अभी आपको 11% इंक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा जिसका उसका जो एबिलिटी है गाइस।
और गाइस उसके बाद आपको सेरो कैरेक्टर, जो सेरो कैरेक्टर ज्यादा बंदा यूज नहीं करता है, अभी जो मोको आ गया है मोको को यूज करता है, तो इसका जो है 20 सेकंड था, अभी इसको 10 सेकंड कर दिया, तो बहुत ही डिक्रीज किया इसने गाइस, बहुत ही अच्छा नहीं लगा गाइस। और गाइस ये जो है मैं गलत बोल दिया शायद, इसका कूल डाउन जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया, मतलब आप फिर से जब इसको यूज करोगे ना तो उसका टाइम 10 सेकंड कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छा खासा है, मैं गलत बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा माफ कर देना, गलती में यहाँ पर आदमी से ही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। उसके बाद जाई कैरेक्टर, जाई का एक मैक्रो चिप आने वाला है, जैसे M4A1 का एक मैक्रो चिप होता है ना, तो मैक्रो चिप जाई का भी आने वाला है, जिसको आप यहाँ पर किसी भी वेल्डिंग मशीन से भी निकाल सकते हो, किसी भी पड़ा भी रहेगा उसको उठा सकते हो, और उसको जो है कैरेक्टर में डालोगे तो जाई का जो कैरेक्टर का एबिलिटी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस जो आपको स्नाइपर, जो यहाँ पर ट्रीटमेंट गन देखने के लिए मिल जाया था, ट्रीटमेंट गन दो आने वाला है, शॉटगन और स्नाइपर, तो ये शायद क्लासिक में देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस उसके बाद आपको जो है ग्रेनाइट का बहुत ही अच्छा खासा चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रेनाइट पे आपको जो है 25% माइनस देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब किसी के पास लेवल 4 का ब्रेस्ट होगा तो एक ग्रेनाइट से उसको कभी भी नहीं मार सकते हो, दो ग्रेनाइट तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद P90 का भी कुछ चेंजेस होगा गाइस, P90 का जो रेंज है 10% इंक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस AWM में कुछ चेंजेस होगा गाइस, AWM में जब आप बहुत दूर से जो है फाइट लेते हो, एक गोली करते हो एनिमी को, तो उसमें 80-90 का एक डैमेज पड़ता है और जब ग्लोबल बन मार देता है एनिमी वालों ने, तो यहाँ पर क्या होगा 8% उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो थोड़ा सा डैमेज और ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद गाइस UMP का रिकॉयल जो है 8% इंक्रीज कर दिया, तो UMP पहले जो था मैं भी यूज करता था, लेकिन अभी जो है वो डिसएडवांटेज है, रिकॉयल हो गया, मतलब एक्यूरेसी बहुत ही कम हो गया, और जो है सीधे आसान भाषा में कहूँ तो गन ज़्यादातर कांपने लगेगा और एनिमी पे जो है डिफेक्ट फाइंड नहीं होगा एनिमी का अच्छे तरीके से, आप जो है मार नहीं पाओगे। और उसके बाद SKS का कुछ चेंजेस होने वाला है, SKS का डैमेज आप जब स्कोप ऑन करके मारोगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा, और आप स्कोप ऑन नहीं करके मारोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो 25% और ज्यादा इनकेस होगा, आपको स्कोप ऑन करना पड़ेगा। और उसके बाद गाइस वेक्टर का कुछ हुलिया ही चेंज कर दिया गाइस, वेक्टर बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया, वेक्टर का गाइस रिलोड टाइम 20% जो है डिक्रीज कर दिया, और रेट ऑफ फायर भी 5% डिक्रीज कर दिया, एमओ भी -5 कर दिया, रेट ऑफ फायर जो है 20% डिक्रीज कर दिया, मूवमेंट स्पीड जब आप मतलब 20% में क्लियर कर देता हूँ, 20% मतलब आप दो वेक्टर को लेकर खेलते हो तब 20% माइनस होगा, एक वेक्टर को लेकर खेलते हो कोई भी दिक्कत होने का बात नहीं है, मूवमेंट स्पीड आपका सेम चीज है, दो गन के लेकर खेलोगे तो आपको 4% जो है मूवमेंट स्पीड डिक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा, और एक गन के लेकर खेलोगे तो ये मूवमेंट स्पीड और रेट ऑफ फायर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये दो गन के लिए डबल वेक्टर के लिए लागू होता है। और उसके बाद गाइस गिल्ड में कुछ चेंजेस होने वाला है, गिल्ड का कुछ हुलिया ही चेंज हो जाएगा, और गिल्ड में आपको बहुत सारा नया कुछ बैचेस देखने के लिए मिल जाएगा, आपका गिल्ड का हिसाब से ये बैचेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा बात है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद गाइस आपको जो है सर्वाइव बंदे के लिए बहुत ही दुख देने के लिए बात है, जो भी बंदा सर्वाइव करते हैं वो आगे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा जोन में, मतलब जोन में जो सर्वाइव करते हैं, तो जोन में सर्वाइव करने पर गैरेना वालों का उतना अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या कर रहा है पहले जोन से ही 10% इंक्रीज कर देगा डैमेज को, और टाइम को इंक्रीज कर देगा 3%, मतलब आप जोन में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। और गाइज ये बहुत ही अच्छा बात नहीं है। और गाइज जो एक बात मैंने भूल ही गया, आप वीडियो सेव भी कर सकते हो गिल्ड में, और आपको लास्ट में पूछा जाएगा ये वीडियो सेव कर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आप करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, करना नहीं चाहते हो तो मत सेव करो। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखकर, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी तक सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अलग वीडियो पे, तब तक अच्छे रहने वाले लोग, बाय बाय।